अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा। उसके लिए लेंगे दूध आधा लीटर, पाव किलो सूजी, 200 ग्राम शक्कर, 125 ग्राम घी, कुछ बादाम कटे हुए, किशमिश, फूड कलर, इलायची पाउडर। एक बर्तन में हम घी लेंगे, उसमें हम बादाम डालेंगे, थोड़े से बादाम गार्निश के लिए रखेंगे। उसी में हम किशमिश भी डालेंगे और इसे अच्छे से भुनेंगे। और ये देखना, मैंने बहुत अलग तरीके से बनाया है। अब उसमें हम दूध डालेंगे और दूध में मैंने मलाई भी ली है। इसमें पानी डाला हमने और ये इसमें मिक्स करेंगे और इसे चला के कम आँच पे रख देंगे पकने के लिए। अभी ये कढ़ाई ली, इसमें हमने सूजी यानी रवा डाला है, 250 ग्राम है, पाव किलो, और ये शक्कर है 200 ग्राम। अगर आप लोग को मीठा कम लगता है तो थोड़ा शक्कर कम ले आप, चाहे तो क्या हम ऊपर से डाल सकते हैं। अभी इसे अच्छे से भूनना है। थोड़ा सा मैंने नमक भी डाला है, कम आँच पे इसे भूनना है। इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। देखो यहाँ दूध में भी उबाल आ गया है। ये जब होगा तो इसकी खुशबू आना शुरू हो जाती है। देखो ये हो गया है। अब इसमें हम जो दूध तैयार किए वो इसमें मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा। और इसे मिक्स करेंगे। एकदम से ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और नॉन स्टिक के बर्तन में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नीचे जलेगा नहीं। अभी इसे मिक्स करेंगे। हमने पूरा दूध डाल चुके और इलायची पाउडर लास्ट में डालेंगे अभी, और इसे चलाएंगे अच्छे से। देखो इसने बर्तन छोड़ना शुरू किया है। अभी इसे हम ढक के रखेंगे 10 मिनट तक कम आँच पे। देखो कितना अच्छा दिख रहा है ना। 10 मिनट तक ढक के रखेंगे, बहुत जल्दी बनता है ये। ये रेडी हो गया है। अभी इसे हम सर्व करेंगे।
हमने टूटी फूटी बादाम और किशमिश लिया है गार्निशिंग के लिए। अब इसे हम गार्निश करेंगे। कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे मम्मा की ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।